Hi guys, welcome to our channel Yes to Healthy Life. How are you guys doing? I hope you all are doing good. So today I'm going to shoot the most requested video of you all. Like jo aap mujhe sabse zyada request karte ho that ma'am aapka hostel dikhaiye. So here I am. Title aap logon ne already dekhi liya hoga. So right now I'm standing in front of my hostel. This is the main entrance. So यहाँ का मैंने जैसे आपको एक वीडियो में भी बोला था दैट यहाँ का रूल है जब तक आपके पास की नहीं है आप डोर जो है वो ओपन नहीं कर सकते हो लाइक कोई भी आउटसाइडर है या कोई भी स्ट्रेंजर है वो डोर ओपन नहीं कर सकता है सो गाइज एज यू कैन सी राइट नाउ दिस डोर इज क्लोज वन कैन नॉट ओपन दिस डोर जब तक उनके पास की नहीं है सो दिस इज द की जो कि ये लोग देते हैं आपको जब आप इनके स्टूडेंट हो बन जाते हो सो वट यू हैव टू डू यहाँ पे एक ऐसी ये चीज लगी होगी यू हैव टू अपनी की आपको यहाँ पे लगानी है एंड यू कैन हियर द नॉइज नाउ द डोर इज ओपन एंड वी कैन कम इन साइड एंड या नाउ एज यू कैन सी राइट नाउ द डोर इज क्लोज एंड जो लोगों ने अंदर से बाहर जाना है सो उनके लिए दिस इज द बटन अब जब आप इसको प्रेस करोगे कैन हियर अगेन हियर द नॉइज then the door is opened again and you can go outside so बिना चाबी के कोई भी अंदर नहीं आ सकता है this is the main thing ये तो था पहला door so यहाँ पे जो है तीन door हैं जिनको cross करके आप hostel में entry लोगे so मैं आपको दिखाती हूँ अभी so guys ये building जो आपको नजर आ रही है ये भी hostel है and then सामने भी hostels हैं and उधर भी हॉस्टल्स हैं एंड देन दिस इज़ द बिल्डिंग दैट ये मेरा हॉस्टल है इसके अंदर हम जाएंगे अभी राइट नाउ दिस इज़ द डोर ऑफ इट एंड ये जो सामने ये वाली जो बिल्डिंग है ये यहाँ पे सब मेंटेनेंस का काम होता है लाइक हॉस्टल में अगर कोई भी दिक्कत हो गई है सो उस चीज़ का काम होता है यहाँ पे तो ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं इधर एंड सामने भी एंड ये सब हॉस्टल्स हैं सो अभी हम अंदर जा रहे हैं सो हियर वी गो यहाँ पे हमेशा 24 आवर्स कोई ना कोई बैठा होता है यू कैन सी हियर आल्सो सो गाइस इस रूम में हमेशा जो है कोई ना कोई 24 आवर्स बैठा होता है सो दैट कोई भी जो स्ट्रेंजर है वो अंदर ना आ पाए तो उनको आने नहीं देते हैं बिकॉज उनको बच्चों की जो है पूरी पहचान है एंड देन गाइस ये जो रूम है यहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह वॉश कर सकते हो अंदर वॉशिंग मशीन्स हैं और वहीं पर सुखा सकते हो एंड देन आयरनिंग भी कर सकते हो एंड देन ये लिफ्ट है गाइज सो आपने अगर आप ज़्यादा ऊपर फ्लोर पे रहते हो आप लिफ्ट यूज़ कर सकते हो बट मैं सेकेंड फ्लोर पे रहती हूँ सो दैट्स व्हाई हम स्टेयर्स से चलेंगे लेट्स गो एज यू कैन सी गाइज ये हीटर्स होते हैं यहाँ पे जो ये लोग विंटर्स में चलाते हैं राइट नाउ ये बंद हैं बिकॉज अभी आजकल जो है यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल है सो दैट्स व्हाई सर्दियों में ये चल रहे होते हैं ये जो है हमारे हॉस्टल का मेन एरिया है एंड ये जो है गाइस एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो जो कुछ भी हॉस्टल में अगर कोई भी दिक्कत हो रही है सो सारा कुछ यहाँ पे सॉल्व होता है ये उनका ऑफिस है एज यू कैन सी एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द एरिया जहाँ पे अगर कोई स्ट्रेंजर्स आते हैं तो उनको कहाँ पे बैठने देते हैं कहाँ पे वो लोग अपना जो है टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के सो अगर कोई पेरेंट्स भी आ रहे हैं तो सो मैं आपको अभी वो दिखाती हूँ एरिया गाइस ही मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में दिखाया हुआ है सो अगर कोई भी किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स आ रहे हैं या कोई गेस्ट आ रहा है तो वो लोग यहाँ पे बैठते हैं एंड यहाँ पे बैठ के वो लोग बातें वगैरह कर सकते हैं एंड खाना पीना खा सकते हैं सो यहाँ से ऐसा व्यू दिख रहा है यहाँ से हम लोग अभी आए हैं नीचे से सो यस ओके तो चलो मैं अभी आपको अपना रूम दिखाती हूँ सो दिस इज़ आवर रूम जैसे ही हम एंटर होते हैं सो एज यू कैन सी यहाँ पे जैकेट सामने की जगह है ये यहाँ पे आप अपने शूज़ रख सकते हो शूज़ के लिए कैबिन है ये क्योंकि यहाँ पे रूल है गाइस आप बिना शूज़ उतारे रूम्स में नहीं जा सकते हो सो यस सो नाउ दिस इज़ द रूम एंड लेट मी शो यू व्हाइल स्टैंडिंग इन द कॉर्नर सो दैट आपको पूरा रूम दिख पाए
सो गाइज एज यू कैन सी राइट नाउ ये बेड्स हैं, दो बेड्स हैं एंड देन एक सोफा दिया हुआ है. सो अगर आपको थोड़ी देर बैठना है, रिलैक्स करना है, देन देयर आर टू चेयर्स इन आर रूम. एक वहाँ है स्टडी टेबल के पास जहाँ पे बैठ के हम लोग पढ़ाई करते हैं या फिर अगर हमने लैपटॉप यूज करना होता है, एंड देन एक चेयर इधर है. एंड देन देयर इज वन कबर्ड ऑल्सो. हमें दो कबर्ड भी मिल सकती थी एक रूम में बिकॉज हम दो लोग हैं, बट लेकिन फिर रूम थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता, दैट्स वाई हमने एक ही कबर्ड रखी है बिकॉज दैट्स सफिशियंट फॉर अस. एंड देन गाइज ये दो मिनी व्हाट टू से दीज आर बेड साइड टेबल्स, बट हमने बेड के साइड में नहीं रखे हैं, हमने उधर रखे हैं, हमें वहाँ पे थोड़ा कन्वीनियंट लगा. सो यस इसके अंदर हमने अपना सामान रखा हुआ है. एंड देन देयर इज वन मिनी रेफ्रिजरेटर जिसके ऊपर भी हमने अपना सामान रखा हुआ है. एंड ये रेफ्रिजरेटर्स गाइज ये लोगों ने पहले किचन में रखी होती थी बड़ी वाली, बट वहां पे क्या था सब बच्चे अपना सामान उसी में रखते थे. सो दैट्स वाई उन्होंने फिर हर रूम में एक छोटी रेफ्रिजरेटर जो है प्रोवाइड करवा दी. एंड देन ये जो है हमारा मिनी डाइनिंग टेबल जिसपे हम लोग खाना भी खा लेते हैं या फिर हमारा खाना वगैरह पड़ा होता है. सो ये तो था हमारा रूम. एंड उसके बाद गाइज इधर एक विंडो है. सो यस विंडोज ज्यादातर अभी फिलहाल का मौसम थोड़ा अच्छा है इसलिए हम विंडो खोल के रखते हैं सिर्फ इतनी सी. एज यू कैन सी यहाँ से ये व्यू है गाइज इधर का. सो यस ये व्यू है इधर का. एंड यस चलिए अब रूम तो आप लोगों ने देख ही लिया है दैट कैसा रूम है. यहाँ पे गए सभी हॉस्टल्स में एक जैसे ही रूम्स होते हैं, ऑलमोस्ट आपको ऐसे ही रूम्स मिलेंगे, अच्छे रूम्स होते हैं नो डाउट. उस पर मत जाना, वो हमारा सामान पड़ा हुआ है, दैट इज अवर लगेज, क्योंकि बैग्स जो है थोड़े ऐसे ही रखने पड़ते हैं हमें रूम में. एंड इन द कबर्ड जो है हमने अपने क्लोथ्स रखे हुए हैं ऑफकोर्स, एंड हमारी बुक्स पड़ी हैं कबर्ड के अंदर, क्योंकि अगर हम अपनी बुक्स भी बाहर रख देंगे तो बहुत ज्यादा मैसी हो जाता है रूम. सो यस चलिए अब हम आपको किचन दिखाते हैं. सॉरी किचन के पहले हम आपको वॉशरूम दिखा देती हूँ पहले. सो ये जो है हमारे नेबर, सो दिस इज द रूम एंड ये हमारा रूम है और ये हमारे नेबर का. एंड देन दिस इज द वॉशरूम, यू कैन सी वॉशरूम में ज्यादा ज्यादा दिखाने वाला ऐसा ऐसा कुछ नहीं है. सो चलो मैं अब आपको किचन दिखा देती हूँ. So guys, this is the kitchen. As you can see, this is written over here, kuchnia, which means kitchen in Russian. And this is the kitchen. किचन में गाइस इन्होंने हमें ऑफ कोर्स गैस प्रोवाइड करी हुई है. एंड देन दीज आर द स्टूल्स, आप यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हो. माइक्रोवेव प्रोवाइड किया है एंड इलेक्ट्रिक केटल्स हैं. एंड देन दीज आर द कबर्ड, यहाँ पे आपका बच्चों का सामान पड़ा होता है सबका अपना अपना पर्सनल, जिनका सामान है वो लोग यहाँ रख देते हैं. एंड दे आर ऑल्सो. एंड उसके बाद कोर्स नो स्मोकिंग इन द किचन. एंड ये इंटरकॉम है स्पेशली अगर कोई किसी बच्चे के लिए अनाउंसमेंट करनी होती है या फिर अगर कुछ भी इनको अनाउंस करना होता है सो इंटरकॉम में बताते हैं ये लोग. और ये दिस इज द व्यू फ्रॉम द किचन. ये सारे गाइस हॉस्टल्स ही हॉस्टल्स हैं इधर, आई मीन सारे के सारे. सो यस एंड किचन में भी हीटर्स हैं, रूम में भी हीटर्स हैं, किचन में भी हैं, कॉरिडोर्स में भी हैं, सो एवरीवेयर. सो या गाइस आई थिंक आप लोगों को हॉस्टल का आइडिया हो गया है दैट यहाँ पे हॉस्टल्स कैसे होते हैं. एंड आई होप मैंने आपको सारा कुछ दिखाया हॉस्टल में, दैट हमें हॉस्टल में क्लोथ्स वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन्स भी प्रोवाइड करी गई हैं. एंड किचन में भी सारा कुछ है, बस सिर्फ आपको यूटेंसिल्स अपने लेने हैं एंड देन ऑफ कोर्स आपको स्पाइसेस वगैरह तो लेने ही है. सो या गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आप लोग को अच्छी लगी है. एंड अगर लगी है देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. एंड आई विल ट्राई दैट, मैं अपनी यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो आई विल ट्राई टू शो यू अ लिटिल बिट ऑफ माई यूनिवर्सिटी ऑल्सो इफ पॉसिबल, बिकॉज अभी एग्जाम्स चल रहे हैं राइट नाउ. ऑल्सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स, बट मुझे सिर्फ अपना माइंड फ्रेश करना था. सो दैट्स वाई आई जस्ट थॉट कि क्यों ना आप लोगों को हॉस्टल दिखा दिया जाए, बिकॉज आप लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो. सो हियर इट इज. सो या गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. टिल देन नाउ आई शेल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. बाय बाय.